गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? टूल्स फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ टूल्स होते हैं जो काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर को ज़रूरी होते हैं, कुछ भी काउंसलर से पूछने के लिए उसके प्रॉब्लम के बारे में। फर्स्ट है इसमें इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, हम वर्बली क्वेश्चंस करते हैं काउंसलर से, तो उनकी प्रॉब्लम्स हमें पता चलती है, तो काउंसलर क्या करता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी काउंसलिंग को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद जो प्रॉब्लम्स निकलेगी उसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि हम काउंसलिंग से पूरा डिस्क्रिप्टिव मैनर में उसके प्रॉब्लम पूछेंगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम नोट डाउन करेंगे उसकी प्रॉब्लम काउंसलिंग की, उसको बोलेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, जो भी काउंसलिंग होगा उसका हम रिकॉर्ड, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो सब रिकॉर्ड करेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर सकेंगे उसकी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इंटरेस्ट चेकलिस्ट। प्रॉब्लम इंटरेस्ट चेकलिस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं क्वेश्चन, उसमें पेशेंट को, मतलब काउंसलिंग को टिक करना होता है, उसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो टिक कर देगा तो हमें पता चलेगा इससे। रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम क्या करते हैं कि एग्री, नॉट एग्री, ऐसे चार ऑप्शन देते हैं, तो उसमें जो पेशेंट टिक करेगा तो हमें पता चलेगा कि उसको भी प्रॉब्लम है कि नहीं है। नेक्स्ट है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री में हम क्या करेंगे, काउंसलिंग से सोशल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि सोशल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सोशली तो बताएगा काउंसलिंग। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब उसका ओरिएंटेशन पूछते हैं कि वो अभी कहाँ पे है, क्या उसने खाया, उसको अगर ये सब याद है तो उसको वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद है तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो ये भी काउंसलर को हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड काउंसलर। क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं गुड काउंसलर में, जिसमें फर्स्ट है जी गुड टेक्निकल नॉलेज। जो काउंसलर का नॉलेज होता है वो अच्छा होता है, मतलब अच्छा होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए काउंसलर में। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट। पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, जो भी प्रॉब्लम है वो कलेक्ट करना है काउंसलर को। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिवली आंसरिंग क्वेश्चंस, मतलब जो भी क्वेश्चन अगर काउंसलिंग कर रहा है तो काउंसलर को उसका आंसर करना है। नेक्स्ट है डेमोंस्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म, मतलब वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्स, कॉन्फिडेंट उसका बहुत मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेशन भी कर सके ऐसा काउंसलर होना चाहिए। अनबायस्ड, अनबायस्ड मीन्स होता है कि